हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग श्लोक 4 अधिभूतं खरो भावः पुरुषस्याधि दैवतम् अधिजज्ञो अहमेवात्र देहे देह भूतांबर। भौतिक प्रकृति बराबर परिवर्तनशील, ए ब्रह्मांड परमेश्वरंकर प्रकाशमान आकार अटे एवं मु से ईश्वर जे कि प्रत्येक जीवर हृदय रे परमात्मा रूपे अवस्थान करूछि। ई श्लोक उपर भाष्य दे श्रील प्रभुपाद जी महाराज एटि कहउछन्ति भौत प्रकृति बराबर परिवर्तन हेउछि। ए भौतिक शरीर मान साधारणत 6 स्तर देकरि गति करूछि, सेगुडिक बढ़ुछन्ति, किछि समय रहउछन्ति, वंशवृद्धि करूछन्ति, ह्रास हेउछन्ति एवं परिशेषरे ध्वंस मध्ये हेउछन्ति। ये शारीरिक प्रकृति को अधिभूतं बोली कहा जाए, कारण यह निर्दिष्ट स्तर में सृष्टि होइछि, निर्दिष्ट स्तर में मध्य विनष्ट होइछि। परमेश्वरंकर विश्वरूप जहाँ कि समस्त देवता सेमानकर आवासस्थली एवं विभिन्न लोक गठित ताहा को अधिदैवतं बोली कहा जाए। जीवात्मा शरीर को अनुसरण करे, भगवान श्रीकृष्ण प्रत्येकांश को परमात्मा किंवा अधिजज्ञ कहा जाए, से हृदय अवस्थान करती। ये श्लोक व्यवहृत एव शब्द एटी अत्यंत अर्थपूर्ण अटे, कारण यही शब्द द्वारा भगवान जोर दे कहते परमात्मा तांको ठार भिन्न नुहति। भगवान परमात्मा रूप से जीवात्मा पाखे बसी एवं से जीवात्मार कार्यकलापर साक्षी अटंती एवं चेतनार मूल अटंती। परमात्मा जीव को स्वाधीन भाव कार्य करने को एक सुजोग दिखती, से तार कार्यकलाप को देखुंती, किंतु एक शुद्ध भक्त जे कि सतत भक्ति योग मार्ग रे कृष्णंकर दिव्य सेवार निजुक्त अछे, तांकु परमेश्वरंकर एस विभिन्न प्रकारर क्रियाकलाप मान आपे आपे देखा जाए नाही। एक शुद्ध भक्त पाखरे भगवानंकर क्रियाकलाप मान सुत परिपुष्ट हुए। परमेश्वरंकर विराट स्वरूप को अधिदैवतं कहा जाए। नूतन शिष्य जे कि आध्यात्मिक मार्ग रे उन्नति करि नाही, अर्थात भगवानंकर परमात्मा स्वरूप को अनुभूति लाभ नाही करि नाही, से ही भगवान करे विश्वरूप को चिंता करे। भगवान करे विश्वरूप चिंता करने को नितन नूतन शिष्य मानक उपदेश दि जाए थाए। निम्नतर लोक गुड़िक भगवान करे विश्वरूपर पाद सदृश अटंती, सूर्य चंद्र तांकर चक्षु सदृश अटंती, उच्चतर लोक गुड़िक मस्तिष्क स्वरूप अटंती। हरे कृष्ण, धन्यवाद।